ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल चमकती किस्मत में। मैं वेद पंडित आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको हमारी वीडियो में बताए गए उपाय अच्छे लगते होंगे और इनसे आपको आपकी ज़िंदगी में लाभ भी मिलता होगा। दोस्तों हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिन्हें से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको सफलता मिलती है और आपके कार्यों में भी आसानी होती है। दोस्तों हम हर रोज़ भगवान गणेश जी से आपके और आपके परिवार की कुशलता और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं और उम्मीद भी करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको रविवार के दिन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है, इसलिए ये चीज़ें कभी ना करें, अन्यथा आपके जीवन में इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़े, हम आपसे कहना चाहेंगे आप यदि पहली बार हमारे चैनल चमकती किस्मत पे आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे कि जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, आवश्यकता है, वह भी इस वीडियो को देख के लाभ उठा सकें। दोस्तों अब अपने विषय पे पुनः वापस आते हैं। दोस्तों यह कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर पे या छत पे इस तरीके से बना हुआ है कि सूर्य की रोशनी नहीं आती और ख़ास करके घर के अंदर भी नहीं आती है तो यह काफ़ी गलत है, क्योंकि इससे आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और सकारात्मक ऊर्जा को आने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें और कोई ऐसी जगह बना लें जिससे आपके घर में सूर्य की भरपूर रोशनी आ सके। दूसरा दोस्तों, गर्मियों में ही ना सही लेकिन ठंड में या जब भी आपको मौका मिले आप धूप में ज़रूर निकलें, क्योंकि धूप से हमारे शरीर पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा देर के लिए ना सही लेकिन थोड़ी देर के लिए शरीर पर धूप पड़ना बेहद ज़रूरी है। यह पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी को भी ख़त्म कर देता है। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन आप गलती से भी पीपल के पेड़ पर जल ना चढ़ाएं, यह बेहद अशुभ माना जाता है, इसलिए रविवार के दिन यह भूल करने से बचें। चौथा दोस्तों, आप तांबे के पत्र में दोस्तों यानी तांबे के लोटे में आप जल ले लें, उसमें कुमकुम मिलाएं और चावल मिलाएं और सूर्यदेव को आप हर दिन चढ़ाएं, इससे आपका सूर्य भी अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली में अगर वह सही नहीं बैठे तो वह भी प्रबल हो जाएंगे और आपको आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी और आप लोग आपकी बातें सुनने लगेंगे और सूर्यदेव की कृपा भी आप पे हो जाएगी। सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे आसान उपायों में से एक है, आप अगर हो सके तो सूर्य देव को 3 बार नमस्कार भी जरूर करें, इससे भी आपको अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि तिल का तेल भी आप सूर्य देव को रविवार के दिन जरूर चढ़ाएं, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा जीवन में। लेकिन दोस्तों हमने आपको जो बातें बताई हैं उन बातों का ध्यान रखिएगा, खास करके क्योंकि हमने आपको कुछ दो ही बातें इसमें यहाँ पे ऐसी बताई हैं जो आपको रविवार के दिन नहीं करनी है। उसके अलावा हमने आपको 4 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो यदि आप करेंगे तो सूर्य प्रबल भी होंगे और उनकी असीम कृपा भी आप पे होगी। दोस्तों ये सब चीज़ें बेहद सरल हैं, बेहद साधारण उपाय हैं, लेकिन यदि आप करेंगे तो इनका जो फल आपको देखने को मिलेगा वो असाधारण होगा। जी हाँ दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बस याद रखिएगा हमारे द्वारा बताए गए कोई भी उपाय जादू की छड़ी नहीं होती, आप अपने कर्म करते रहिए, कर्मवीर बनिए। अगर आपको अपने जीवन में जो चीज़ आपको प्राप्त करनी है उसके लिए आपका कर्म करना आवश्यक है। भगवान माता रानी पर भरोसा बनाए रखें, वह सबका भला करता है, आपका भी भला करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।